नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आप देखो जो मंत्र है, इंसान के बोलने का जो ढंग है, जो शब्द हम बोलते हैं, जो अक्षर हम बोलते हैं, उसकी गजब की वाइब्स पैदा होती है। पूरा माहौल उसके मय बन जाता है जो हम बोल रहे हैं। आप बैठे हो, भगवान के भजन बज रहे हैं, वो जो आपके इष्ट है, आप उसी के लय में बह जाओगे। आपका पूरा अस्तित्व उस भजनमय हो जाएगा जो आप सुन रहे हो। जिस देवी देवता का भी आप भजन सुनोगे और आपको उसमें रुचि है, तो आपका रूप वही बन जाएगा। कहते हैं ना, जब कोई इंसान यात्रा करके आता है, तब लोग उसके पैर छूने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आया होता है। ये तन, ये मन, ये ऐसा है कि जिसके संपर्क में आता है, उसके जैसा होने लग जाता है। ये जो वाइब है इस अक्षर की, बीज मंत्र, इस बीज मंत्र को बोलने से, जो मैं आपको इस वीडियो बताने के लिए जा रही हूँ, इस बीज मंत्र को बोलने मात्र से भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं। जहां इसकी धुन गूंजती है, वहां पैसे अपने आप अट्रैक्ट होकर आते हैं। ये पैसों को अपनी तरफ खींचती है। लौह चुंबक, मैग्नेट, लोहे को अपने अंदर खींच लेता है। ऐसे हर चीज, सृष्टि की हर चीज किसी न किसी को अपने अंदर खींच रही है। आप देखो बड़े ध्यान से इस चीज को नोट, आप खुद अपनी बॉडी को देख लो, आप कितनी चीजें ले रहे हैं। आपके अंदर कितनी सारी चीजें, अगर सारी चीजों को स्टॉप कर दिया जाए, इंसान मर जाएगा। हर जीव किसी न किसी पर जीवित है, आहार के रूप में खींच रहा है। आप देखो कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे तंत्र मंत्र जगा लेते हैं कि किसी के घर में जाते हैं तो उसके घर की सुख समृद्धि को अपने में खींच लेते हैं। वशीकरण मंत्र जब आप जगाते हैं और बोलते हैं, तो सामने वाले के दिल और दिमाग को अपने अंदर खींच लेते हैं, है ना। तो ये तमाम चीजें बहुत पावरफुल है। ये जो बीज मंत्र है, ये भगवान कुबेर को प्रसन्न करता है, ये धन को आपकी तरफ खींच करके लाता है। इस मंत्र को, बीज मंत्र को आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दिन में बोले, सुबह उठते के साथ बोले, जब फ्री होते हैं तब बोले, रात को सोने से पहले बेड पर बैठे बैठे बोले। आपको अंदर श्वास लेनी है, तीन बार ओंकारा लगाना है पूरे ध्यान से। उसके बाद में धम धम धम, इस बीज मंत्र को बोले, इसकी जो गूंज उठती है, वो माता लक्ष्मी को आपके घर में लेकर के आती है। आप देखो जहां ओंकारा लगता है, ओम की गूंज लगाई जाती है, वहां से नेगेटिव एनर्जी भागती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, है ना। अभी नासा के साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स होता है, उसमें देखा कि सूर्य में से जो ध्वनि गूंज रही है, वो ओंकार है। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, शायद आपने भी देखी हो। कंटिन्यू सूर्य भगवान में से जो ध्वनि गूंज रही है, वो ओम ओम ओम। ये ध्वनि सिर्फ सूर्य भगवान से गूंज रही है, ऐसा नहीं है, पूरी सृष्टि में विद्यमान है। जब इंसान ध्यान करता है, तो उसको ये ध्वनि सुनाई देने लग जाती है।
जब उसका नाद जगता है तो कई प्रकार के संगीत ध्वनियां आदमी आराम से सुन सकता है, आप हम सब सुन सकते हैं। ध्यान को आप जहां लगा दोगे वो वहां से हर चीज को खींच कर लगाने लग जाता है। तो इस बीज मंत्र को आप एवरी डे बोले, शुक्रवार के दिन, पूनम के दिन, अमावस्या वाले दिन सबसे ज्यादा। और रिजल्ट देखिए, कभी दोस्तों गरीबी आपको छू नहीं सकती, करके देखें। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए अवश्य। जय श्री।